नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी के एक और बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों मैं हूं फिलहाल न्यूयॉर्क में, और यहां पर अभी जाने वाला हूं बाहर एक गूगल इवेंट के लिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कैसे रहता है पूरा दिन। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा जरूर पसंद आएगा। दोस्तों ऐसे में आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे गूगल लॉन्च इवेंट पे, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेड बाय गूगल के कुछ नए प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले हम आ गए हैं, सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं, बैज रेडी है, मतलब सब कुछ रेडी है, बस वेट है इवेंट स्टार्ट होने का। जहाँ पे जो पूरा माहौल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ 2-4 मिनट बाकी हैं और सब एकदम फुल पूरा भर चुका है, बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि कब कुछ नया सुनने को मिल जाए हमको टीम गूगल की तरफ से। Thanks so much for joining us here in New York City, and for those on the live stream, with the introduction of our new Pixel phone, Pixel Buds, Pixelbook Go, Nest Mini, Nest Wi-Fi, we're taking a big step towards this vision. यहाँ पे जो प्रेस लाउंज है, जो प्रेस एरिया है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। डेमो जोन्स में सभी लोग अपना अपना वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, फ़ोन को चेक कर रहे हैं। मेरे पास में आ गए हैं ये दोनों नए पिक्सल 4 और पिक्सल 4 एक्सेल। टाइम है कि मैं भी जल्दी से अपना एक हैंड्स ऑन वीडियो बनाऊँ, उसके बाद में ऐसे हम भागेंगे जाएंगे गूगल ऑफिस, उसके बाद में यूट्यूब स्पेस न्यूयॉर्क। यहाँ पे ये है न्यूयॉर्क हाईलाइन। मैं एक दो बार पहले यहाँ पे आया था, सोचा के लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो व्लॉग्स बना नहीं पाया। फिलहाल के लिए अभी हम इसी को यूज़ कर रहे हैं और चलते हुए जा रहे हैं गूगल ऑफिस की तरफ। हालांकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, लेकिन इस पर चलने का अपना अलग ही मज़ा है। अगर आप कभी होते हैं न्यूयॉर्क में तो यहाँ पे आप चले जाते हैं, अभी वॉक नहीं है, लेकिन अगर आप उसको एंड टू एंड कवर करेंगे तो बहुत अच्छा आपको एक सीनिक व्यू मिलेगा। जो कि पहले ये एक पुराना रेलवे ट्रैक हुआ करता था, जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं, और ऐसे में काफ़ी मतलब एक्टिव सा माहौल लगता है। अगर आप कभी भी न्यूयॉर्क आए तो उसको ज़रूर ट्राई करना, जो कि है न्यूयॉर्क की हाईलाइन। दोस्तों अभी हम हैं गूगल न्यूयॉर्क ऑफिस में, और आगे देखते हैं अभी क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक तो कुछ शुरू नहीं किया है। हालांकि अभी यहाँ पे पिक्सल के बॉक्सेस मिलने वाले हैं, इसके अलावा शायद एक ऑफिस टूर भी करते हैं, तो देखते हैं आखिर क्या है गूगल की इसी बिल्डिंग में। फिलहाल अभी हम हैं गूगल ऑफिस न्यूयॉर्क की टेरेस पे, और जो व्यू है यहाँ से मतलब बिल्कुल कमाल है। पीछे यहाँ पे हडसन रिवर दिख रही है, आगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही है, उस तरफ का पूरा डाउनटाउन दिख रहा है, और बहुत बहुत कमाल व्यू है। और यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या होता है। सर
यहाँ पे ना मतलब टेरेस से जो व्यू है यहाँ पे, ऑफ कोर्स एक बाहर सिटिंग स्पॉट है कि जहाँ पे आप दिन में आके रात बैठ सकते होंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे एक्सेस मिलता ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन जो व्यू है ना मतलब आप बस दिन भर रहें यहाँ पे तो भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आप बोर हो गए हैं, बिकॉज पहली बात तो अभी आज जो मौसम है खैर वो बहुत अच्छा है, दूसरी बात यहाँ पे जो पूरी आपको पीछे स्काईलाइन दिख रही है न्यूयॉर्क की वो एक बहुत ही अच्छा व्यू है, साइड में हडसन रिवर है, सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और जो पूरा एक माहौल है गूगल ऑफिस का, मतलब हर एक ऑफिस का होता है, मैं जितनी बार भी गूगल ऑफिस में, लेकिन यहाँ पे अगेन वो सेम वाइब है और थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है टेरेस के ऊपर। Enjoy your order. So ye mere piche एक बार है, लेकिन ये एक ड्राई बार है बिकॉज सारी बॉटल्स एम्प्टी हैं। अभी आगे देखते हैं कि गूगल ऑफिस में और क्या होता है। फिलहाल पिज़्ज़ा खा के पेट भर चुका है, लेकिन अभी आगे मेरे ख्याल से कुछ और सरप्राइजेस बाकी हैं, तो देखते हैं कैसा है गूगल का न्यूयॉर्क ऑफिस। Hey, hi, how are you? I'm Shane. Welcome to Google New York. ये है यहाँ पे गूगल ऑफिस न्यूयॉर्क का एक कैफे जिसका नाम है पैनोरामा, लेकिन ऐसे यहाँ पे 10 कैफेज हैं क्योंकि खाना हमेशा एक प्रायोरिटी होती है किसी भी गूगल ऑफिस में, और चारों तरफ खाने का माहौल, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ, आउटडोर सीटिंग, इंडोर सीटिंग, तो मतलब गूगल के किसी ऑफिस में जाओ लेकिन जो खाने पीने का माहौल है वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये है एक मसाज रूम ऑफिस में, कितना अच्छा है। गूगल ऑफिस में इतना सब कुछ देखने को मिल जाता है ना कि लगता है कि बस यहीं पे काम करते रहें हमेशा हमेशा हमेशा। दोस्तों थोड़ी बारी है फन की, तो गूगल ऑफिस में फन आप जानते हैं कि कितना बड़ा एलिमेंट है, जो मैंने आपको दिखाया था गूगल हेडक्वार्टर्स का टूर, तो अभी कुछ ऐसा ही है यहाँ पे माहौल, आगे देखते हैं कैसा है लेगो का या कुछ और थोड़े फन एरियाज का इसी गूगल ऑफिस में। यार ये बड़ा ही कूल लेगो रूम है जहाँ पे बहुत सारे लेगो आर्ट्स हैं, और इसके अलावा साइड में बहुत एक बड़ा स्टॉक है लेगोज का जिसको निकाल के जो चाहे वो बनाते रहो। काफ़ी मतलब कूल सा माहौल है यार यहाँ पे इसी गेम रूम का। आगे देखते हैं कि हमको और कौन से दूसरे गेम्स मिलते हैं। दोस्तों ये है गेम रूम जहाँ पे पुराने पुराने कंसोल से लेके पूल टेबल से लेके टेबल टेनिस टेबल से लेके मतलब पूरे आर्केड सिस्टम वाले मतलब तरह तरह के गेम्स हैं। मतलब मैं आपको दोस्तों दिखा रहा था ये सभी चीज़ें जब मैंने किया था गूगल हेडक्वार्टर्स का टूर, ऑलमोस्ट सेम फीलिंग है जहाँ पे इतने सारे तरह तरह के गेम्स हैं कि मतलब बस गेम खेलते रहो और मतलब काम भी करना होता है, लेकिन अगर गेम खेलने का मूड है गेम्स को आप बड़े आराम से इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे गूगल न्यूयॉर्क ऑफिस में, किसी और गूगल ऑफिस की तरह बड़े आराम से। अगर ऑफिस में ये सब करने को मिल जाए इससे ज्यादा मजा शायद नहीं आ सकता किसी भी ऑफिस में, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है हमेशा से गूगल ऑफिस के साथ में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मजेदार।
तो गूगल ऑफिस का टूर तो पूरा हो गया है, अभी हम यहाँ से निकल के जाते हैं यूट्यूब स्पेस न्यूयॉर्क, जो कि सिर्फ रोड के दूसरी पार है, वहाँ पे देखते हैं कि वो कैसा एक्सपीरियंस हमको देगा। बिकॉज मैं पहले यूट्यूब स्पेस एक दो जगह पे तो गया हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क पे आज तक गया नहीं हूँ, तो देखते हैं कि आखिर इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाय द वे, इधर जेसीबी की खुदाई शुरू होने वाली है शायद, तो शायद लोग इकट्ठा हो जाएं, इससे पहले भीड़ बढ़े हम आगे निकल जाते हैं। हाँ दोस्तों, फिलहाल हम चेल्सी मार्केट में हैं और जो चारों तरफ का माहौल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आपको तरह तरह की डेकोरेशंस देखने को मिल रही हैं, जो कि स्पेसिफिक हैं हेलोवीन को लेके, जहाँ पे चाहे ये भैया टायर से झूल रहे हैं, चाहे कोई आधा कटा पड़ा है, और सब कुछ काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। ये है यहाँ पे यूट्यूब स्पेस न्यूयॉर्क का कैफ़े एरिया, जो कि म्यूज़िक नाइट्स पे बार बन जाता है। और दोस्तों ये है यहाँ पे पीछे गियर वाला सेक्शन, जहाँ पे सभी तरह के कैमराज, सभी तरह के शूटिंग इक्विपमेंट, सब कुछ मिलेंगे। अगर शूट करना है तो कुछ भी, जो भी शूट करना हो, बड़े आराम से शूट कर सकते हैं यहाँ पे। YouTube स्पेस का दोस्तों यही कितना एक बड़ा एडवांटेज है कि मतलब जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए कितना कुछ करता है YouTube, ग्रीन स्क्रीन से लेके सभी तरह के स्टूडियोज, सारी शूटिंग फैसिलिटीज़ YouTube स्पेसेस में आपको एकदम वर्ल्ड क्लास देखने को मिलती हैं, एकदम फिल्म लेवल की, जो कि बहुत बहुत कमाल है। मैं तो खैर बहुत कम जाता हूँ, लेकिन अगर आप यूट्यूबर हैं तो ज़रूर जा सकते हैं YouTube स्पेस में, जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं अपनी वीडियोज़ को शूट करने के लिए। यूट्यूब स्पेस का अगर वॉशरूम भी हो तो भी लाइटिंग एकदम परफेक्ट होती है किसी भी वीडियो के शूट के लिए। दोस्तों बस दिन छुपने वाला है और अभी टाइम है कि हम जाते हैं बाहर और करते हैं एक्सप्लोर इसी गूगल पिक्सल 4K कैमरा को थोड़ा सा अंधेरे में, और देखते हैं आखिर रात में जब खींचते हैं फोटोज तो किस तरह से लेता है ये फोन फोटोज, क्योंकि पिक्सल लाइन हमेशा से कैमरों लगी बहुत ही अच्छी रही है। तो अभी बस टाइम थोड़ा सा बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपसे बात करता हूँ थोड़ा सा इस वीडियो में आगे। तो भाई उस दिन हुई बहुत सारी कमाल चीज़ें, हम बाहर गए, बहुत सारी फोटोज़ को क्लिक किया, जो मैं ऑफिशियली अभी अलाउड नहीं हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ, तो इसलिए वीडियो में मैंने कट कर दिया। उसके अलावा बाहर गए तो डिनर था, डिनर के बाद मैं वापस आया, फिर मेरी फ्लाइट दुबई के लिए, फिर मैं फिलहाल अभी दिल्ली में हूँ, तो मतलब ऐसे सफर चलता जा रहा है। लेकिन आपके लिए आपको और बहुत ही कमाल वीडियोज़ देखने को मिलेंगी बहुत जल्दी दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक रजिस्टर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जब जब बन पाती हैं तब तब ऐसी ही कमाल वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।